हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे। और आज फिर खेलने वाले हैं हम ग्रिम वैलोर। और आज मैं गाइस इस वीडियो में जो है पार करने वाला हूं कुछ ऐसी जगह जो आपको दिक्कत कर सकती हैं इस गेम में। तो उससे पहले मैं बता देता हूं भाई, अर्पण सिन्हा भाई ने जो है मेरे को कमेंट किया था कि भाई जो आप 20 मिनट की वीडियोज़ बनाया करो। तो गाइस मैं जो है ट्राई करूँगा, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ मैं इसलिए नहीं बनाता यार, काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है मामला। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जो है मैं 20 मिनट के वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा, उसके आसपास 15 या 20 के आसपास, तो वो जो है एवरेज रहेगा। तो फिलहाल कुछ जगह ऐसी हैं, मैं पूरा गेम प्ले तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ जो जगह हैं जो मतलब आपको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी इस गेम में, तो उनको मैं जो है एक छोटा सा लेकर के वीडियो आया हूँ। उससे वैसे बेसिकली आपको जो है थोड़ा आइडिया वहाँ से भी हो जाएगा कि जो आपका मैप है वो आपका 100% कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको जो है वो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस वजह से जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बस वो कुछ ही जगह हैं जिनको मैंने भी जो है पिछली वीडियोज़ में उनको कवर नहीं किया, तो मैं इसलिए लेकर के आया हूँ कि भाई क्योंकि वीडियो में अगर आपको नहीं पता लगा है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी आगे जा करके। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई पूरा एरिया जो है कवर करके चलो, यानी मैप्स को 101% कंप्लीट करके चलो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे, जो मैप आएंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपके कुछ मिस नहीं होगा, तो इस वजह से जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस सबसे पहली जगह जो है यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं, और ये है वो स्थान जहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा तो सीक्रेट नहीं है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे कम जाता है आप लोगों का, क्या मेरा ही बहुत कम गया था, तो इसी वजह से मैंने आपको ये बताया है कि भाई यहाँ पे एक जो है पैलेस है जो कि आप आराम से खोज सकते हैं, और यहाँ से जो है ये जो है रीड कर सकते हैं, और ये जो है दोनों के दोनों यहाँ से उठा सकते हैं, तो जो है आपका मैप 101% कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा राइट साइड में भी जो है मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे जो है मेरा गाइस वेब मैप जो है 100% जो है हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी जो है 100% अपना मैप करेंगे और नेक्स्ट मैप में बढ़ेंगे तो भाई वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक रीडिंग का ऑप्शन भी था भाई, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा आराम से यहाँ से इस तरीके से आपको उसको लेना। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप जो है यहाँ ऊपर तक आ सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में अगर आप जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आप ट्राई करेंगे 2-3 बार तो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके भाई लोग, तो दूसरी जगह है यहाँ पर, और देखो ये वाला स्थान है ना भाई, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो एक बारी में आप नहीं पार कर सकते, मेरे को भी इसको 2-3 बारी में लग गया पार करने में, तो इतना इजी नहीं रहने वाला आपके लिए यहाँ से आना। तो इसी वजह से मैं चाहूँगा कि भाई जो है आप इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें तो आप जो है ईज़िली यहाँ पर आ पाएंगे, और इस तरीके से जो है इस चेस्ट को भी जो है ढूंढ पाएंगे, और अपने मैप को जो है 100% जो है कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है एक वॉल भी है जो कि केव में जाती है एक, तो ये भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी। पहले मैं जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ कि चेस्ट के अंदर आपको क्या मिलता है, और ये देखिए काफ़ी सारे जो है मिल चुके हैं। तो कुछ जगह इसमें ऐसी ही हैं जिनको आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैं जो है स्पेशल से ये वीडियो लेकर के आया हूँ आज, कि जो पिछले अभी 2 एक्ट हुए हैं हमारे, तो उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ जगह छूट जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको अगले मिशन में चाहिए और वहाँ पर जो है आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे, तो इस तरीके से जो है आपको फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आराम से इसको ढूंढ सकते हैं। ओके तो फिलहाल गाइस यहाँ पे जो मैंने बताया था भाई 2 पार्ट्स मैंने तो आपको बता ही दिए, तो उसके बाद है केव ऑफ द करप्ट, इसमें भी जो है आपको एक स्थान ऐसा देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे सिंपल से आप इसे सीधे से पार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 67% आप जो है ईजिली पार कर पाएंगे, बट इसमें एक स्थान ये देखो यहाँ से आना है और ये बैक वाला जो स्थान है, तो यहाँ पर जो है गाइस ये थोड़ा सा खूफिया है, जिनको मिल गया तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जिनको नहीं मिला तो वो यहाँ जो है आकर के ईजिली इसको ले सकते हैं, तो आपका भी जो है मैप यहाँ से 100% जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 67% तो आपको वैसे नॉर्मल मिल जाएगा। तो उसके बाद गाइस आते हैं हम डार्क आयरन वाले में, तो यहाँ पे भी भाई एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे आपको जाना है, और वो जो है आपके काम आएगी 100% मैप को जो है कंप्लीट करने में, तो आपको थोड़ा सा इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो फिलहाल यहाँ पे देखो मैंने सेव तो कर लिया है, वैसे कोई चक्कर नहीं था, बट मैंने जानबूझ के सेव किया है ताकि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से जो है मैंने आपको दिखाने के लिए भी थोड़ा सा ये किया है ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। तो जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो वहाँ तक तो आपको पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरे ख्याल से आपको ये जगह जो है पता भी होंगी कि भाई ये कहाँ पे हैं, तो इसी वजह से मैं जो है पूरी कंप्लीट नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर पूरी कंप्लीट दिखाऊँगा तो भाई काफ़ी जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, और यहाँ पर देखो मैं मर भी गया। अगर
पूरे एरियाज में दिखाऊंगा, तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि भाई दो तीन जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं तो फिर इकट्ठा हो जाएंगी और भाई 30-35 मिनट के वीडियो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता था। तो इसी वजह से मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया ताकि आप जो है कुछ सीक्रेट जगह जो अब तक एक्सक्लूसिव मिली है वहाँ पर जो है आप इजीली जो है उन्हें खोज सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं उनमें आने वाली आपको। तो फिलहाल यहाँ पे एक जगह है और वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, पहले यहाँ तक यहाँ से पहुँचते हैं। तो वैसे तो मैंने ये पार्ट आपको पूरा दिखा दिया, ये इसलिए दिखाया ताकि जो है आप वहाँ तक पहुँच सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई फिर आपको ढूंढने में भी टाइम लगेगा कि भाई कहाँ पर है ये स्थान, तो उसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो उस वजह से मैंने जो है यहाँ पर आपको दिखा दिया। ओके तो फिलहाल गाइज यहाँ पे है वो जगह जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आपको यहाँ पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से आप इसे भी नहीं पार कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। इसमें मैं भी तीन चार बार मरा मैं भी यहाँ पे, तो इतना आसान नहीं इसको पार करना, लेकिन फिर भी जो है अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो है यहाँ पे ईजिली से जो है से पार कर पाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं और दिखा देता हूँ भाई मैं आपको उसको। तो यहाँ से आपको सिंपल से सामने की तरफ ही जाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, तो यहाँ पे ऐसे जाने के बाद ऐसे जाना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके आप जो है यहाँ पार कर पाएंगे। और यहाँ पार करने के बाद आपको जो है एक मॉन्स्टर भी मिलेंगे, दो मॉन्स्टर हैं, तो इनको भी जो है मारना पड़ेगा आपको, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजिली जो है आप इन्हें मार पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो छोटा सा काम है, जगह अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे भी गाइस आपको एक जो है चेस्ट मिलेगी, और ये कुछ चेस्ट ऐसी हैं जो काफ़ी मतलब थोड़ी सी ना सीक्रेट लोकेशन पे हैं, और इसकी जगह पे देखो आप हमें मिल चुका है एक थंडर क्रॉस। तो इस तरीके से जो है कुछ चेस्ट ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही जो है ढूंढने के लिए मिलती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे जो मैं अगली वीडियोज़ बनाऊँगा उनमें कोशिश करूँगा कि जो है उसी वीडियो में जो है उसको कम्प्लीट कर दूँ, ताकि उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है उनका 100% नहीं हुआ अभी, तो वो यहाँ पर आ करके जो है इन चेस्ट को भी जो है ले सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ तक तो था ऐसा ही, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं जहाँ तक मेरा उम्मीद है। तो चलो बढ़ते हैं गाइज़ आगे की तरफ, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं जो है पहले आर्मर एक, और मेरे पास काफ़ी सारे हो गए तो मैं जो है बिना किसी देरी के जो है एक आर्मर परचेज़ कर लेता हूँ। देखो भाई फ़ायदा यही होगा कि जो अब मॉन्स्टर आएंगे थोड़े से टफ भी होंगे, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे आर्मर ले ली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं एक और सीक्रेट जगह। चलो ओके तो गाइज वो है एक डार्क आयरन फोर्ज में है, और मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है वो जगह। तो वो भी ज़्यादा मतलब एकदम से निगाहों में नहीं आएगी आपके, क्योंकि सिंपल से जब आप प्ले करते रहते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो वो जो है आपका एक जो फ्लो रहता है कि भाई जो सामने है उसी को पार करते जाओ बस, तो वो एक तरीका होता है, तो उसी वजह से जो है कुछ चीज़ें छूट जाती है जो मतलब सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आती कई बार। तो उसी वजह से जो है ये कुछ ऐसे ही स्थान है जो मैं आज आपको इन वीडियो में दिखा रहा हूँ। और जो गाइज यार पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ का एरिया जो है सभी ने क्लियर कर दिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिन्होंने प्ले किया है तो ये तो ईजिली से जो है आप आराम से यहाँ से पार कर देंगे। तो मेन जो पॉइंट है वो है गाइज इसके आगे का, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले इनको जो है सारों को यहाँ से लुढ़का देता हूँ, क्योंकि ये लुढ़काने बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट दिक्कत होने वाली है। तो फिलहाल जो है गाइज यार बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रही हो तो उसे थोड़ा सा इग्नोर मार लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जो है गाइज इस तरह के जो है ये वाला पोर्शन जो है सभी ने कर लिया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है थोड़ा सा लंबा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है आप उस प्लेस को भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सामने की तरफ, तो आप सोचेंगे भाई यहाँ से ऊपर जाना है और सीधे की तरफ जाना है, तो ऐसा नहीं करना है, तो आपको बैक में जाना है, और बैक में जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो भाई यहाँ पर आपको मिलेगा एक गेट। गेट जब यहाँ से इसको आप पुल करेंगे तो भाई ये देखो मतलब क्या ही तो खुला है। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई हाँ कुछ जो है सीक्रेट जगह यहाँ पे बनाई हुई हैं जो कि हमें जो है दिखी नहीं थी पहले। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है केयरफुल होकर खेलेंगे और पूरे एरिया को कवर करके चलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम गेम में आगे नहीं आने वाली। तो फिलहाल यहाँ पर जो है गाइस ये है एक गुफा खुल चुकी है और ज़्यादा दूर नहीं है हमारे, यहीं पर है, तो इसीलिए ईजिली से जो है मैं उसको भी दिखा देता हूँ वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये है देखो गाइस वो गुफा, और अगर आप नॉर्मल तरीके से जाते हो तो भाई सामने वाले एरिया में आपको कुछ नज़र नहीं आता, और आप जो है धीरे धीरे सीधे बढ़ जाते हो और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिलहाल यहाँ पर देखो गाइस हमने जो है ये भी कम्प्लीट कर लिया, और हमारा जो मैप है वो भी राइट साइड में देखो 101% हो चुका है, 101 कह रहा हूँ 100% हो चुका है। उसी के साथ में गाइस यहाँ पर आ चुका है एक मॉन्स्टर,
और इसको मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ये तो थोड़े से जो है लोकल ही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक मेरे को कोई ऐसा मॉन्स्टर इसमें नहीं लगा जो कि काफ़ी टफ हो, इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़े। बट अभी तक देखते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी काफ़ी दूर हैं हम और कितने देखते हैं कि कुछ खतरनाक से आपको जो है चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यहाँ पे गाइस हमने जो है हंटर एक्सेलेंट को इसको भी कर दिया सफाया, और यहाँ का एरिया में जो है मैंने जो कुछ था वो आप सबको दिखा दिया है, तो इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से अब होना नहीं चाहिए आपको। तो ये कुछ मेरी तरफ से हाइड प्लेस थी जो कि आपको देखने में प्रॉब्लम होगी मतलब गेम खेलते समय, तो आज मैं जो है इसी के लिए आपको जो है स्पेशल वीडियो दिया हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये हिडन प्लेस भी जो है आपको अच्छे लगे हों। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।